अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये दोस्तों ख्याबान इत्तेहाद, ख्याबान इत्तेहाद से मैं जा रहा हूँ। जी हाँ, कहाँ पर जा रहा हूँ? जी 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 जी, ज़ैनब मार्केट की जानिब। ज़ैनब मार्केट, ख्याबान इत्तेहाद से ज़ैनब मार्केट, और कौन से रोड हमें जो है ना दरमियान में पड़ेंगे, किस किस रूट से मैं जो है ना गुजरूंगा, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से रोड जाम है, हम आगे से चलते हैं इस जगह से। ओए माय गॉड, तो ये डिफेंस फेस टू का इलाका है। ये यहाँ से हम जाएंगे क्योंकि आगे रोड सिग्नल जाम था। फेज़ टू में हूँ इस वक्त मैं। वहाँ से ख्याबान इत्तेहाद से मैंने टर्न मार लिया था क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जाम था, सिग्नल जाम, सिग्नल बंद था और ट्रैफिक जाम था, क्योंकि सिग्नल खुलते हुए भी जो ना सेकंड टाइम में मेरी बारी आती निकलने में। तो मैंने यहाँ से शॉर्टकट मारा, और शॉर्टकट मारने के बाद मैं आ चुका हूँ ख्याबान जामी की तरफ। बहुत खूबसूरत नज़ारा सूरज का, बड़ा खूबसूरत मंजर। ख्याबान जामी से मैं सीधा फेस टू की जानिब। यह है फेज़ टू, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं बनाई और ना ये मैं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इस रूट से गुज़र रहा हूँ। यह पूरा मैं बताऊंगा इलाका आपको ना, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से गुज़र रहा हूँ क्योंकि मैंने वो रोड क्रॉस करना है जो सिग्नल मुझे बंद मिला था ना, उससे बहुत आगे की तरफ मैंने निकलना है। राहत मिल कॉर्नर, ये आ गया कुरंगी रोड को भी क्रॉस करके मैं डिफेंस वाले रोड पे आ चुका हूँ। ये रोड जा रहा है, अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह भला करे मेरा, अल्लाह भला करे तमाम मुसलमानों का। सिग्नल हमारा खुला हुआ है, कोशिश करते हैं निकलने की, ना निकल सके तो रुकना पड़ जाएगा,
बंद हो रहा है मेरे ख्याल से, बंद हो गया शायद, बंद हो गया। शाम का टाइम हो रहा है और कहाँ से निकल के कहाँ आ गया हूँ मैं ना, जहाँ ज़ैनब मार्केट रहा हूँ। अच्छा जी, और पंजाब रोड की तरफ आ चुका हूँ मैं, यानी कि पंजाब कॉलोनी से कैंट स्टेशन से निकलना पड़ जाएगा मेरे को, कैंट स्टेशन से। कितने अजीबोगरीब रास्ते से निकलना पड़ गया, वो सिर्फ सिग्नल बंद होने की वजह से। खूबसूरत मंजर, सूरज की बिल्डिंगों के पीछे आ गया, वरना थोड़ा सा सूरज पड़ रहा था ना। मैंने जाना कैंट स्टेशन की तरफ और मुझे अंडरपास से जाके यू टर्न मारना पड़ेगा। यहाँ से भी यू टर्न आता है अंडरपास के बराबर से, जो रोड जा रहा है पंजाब कॉलोनी के ब्रिज से, वहाँ से भी यू टर्न आता है, लेकिन यहाँ से भी आता है। ये ज़्यादा इजी है अंडरपास वाला। ये वाला यू टर्न बहुत ज़्यादा आसान है। आ गया पंजाब कॉलोनी,
ये है पंजाब कॉलोनी और यहाँ से आएगा कैंट स्टेशन और कैंट स्टेशन से फिर हम जाएंगे अल्लाह भला करे जैनब मार्केट की तरफ। और अगर मैं आपको दो पुल दिखाता हूँ इस रूट के ऊपर, मैं आपको दो पुल दिखाता हूँ जो कि दो पुल आ रहे हैं। एक पुल पे चढ़ेंगे तो आप PIDC की तरफ उतरेंगे और एक पुल चढ़ेंगे तो आप कैंट की तरफ उतरेंगे। और दोनों पुल जो है ना, दोनों ब्रिज करीब करीब हैं, लेकिन दोनों पुलों के अंदर फर्क है। एक उतरेगा PIDC की तरफ, एक उतरेगा कैंट स्टेशन की तरफ। तो ये अभी फिलहाल पंजाब कॉलोनी का इलाका ही है। ये रहा एक ब्रिज, इस ब्रिज पे जाओगे तो PIDC, और अगर उल्टे सीधे हाथ की तरफ जाके जो टर्न मारोगे और टर्न मारने के फौरन बाद ही जो है ना एक ब्रिज आ जाएगा। ये रहा, इस ब्रिज पे चढ़ोगे तो कैंट स्टेशन, ये कैंट स्टेशन। और यहां से जाएंगे हम उल्टे हाथ की तरफ, और यहां से आएगा अल्लाह भला करे PACC आएगा, PACC और फ्रेयर हॉल आएगा। और फ्रेयर हॉल के बाद जो है ना, यहाँ से आएगा अल्लाह भला करे मेट्रोपोल होटल। यहाँ पहले PACC आएगा। PACC में मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं उस वक्त पढ़ता था जब गुलुकारा यहाँ पे होगा। PACC ये रहा, PACC यहाँ मैं पढ़ चुका हूँ। मैं एक साल, पता नहीं 1.5 साल पढ़ा हूँ मैं।
और मैं उस ज़माने में पढ़ता था जब गुलुकारा अफशा अहमद पढ़ाती थी, वो अभी भी हैं, गुलुकारा अफशा अहमद पढ़ाती थी ना जब, लेकिन वो मेरी टीचर नहीं थी, उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। ये आ गया फ्रेयर हॉल, फ्रेयर हॉल, और अब आएगा अल्लाह भला करे मेट्रोपोल। पहले तो आएगा अवारी टावर, वो अवारी टावर वो सामने, वो शहर फैसल का एंड और स्टार्ट। ये आ गया मेट्रोपोल। मैं कहाँ से चला था, अल्लाह भला करे ख्याबान इत्तेहाद से चला था ना, मेट्रोपोल से क्रॉस किया और सामने आपको जैनब मार्केट, विक्टोरिया सेंटर, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल सेंटर सारे नज़र आएंगे। और बस मैंने यहाँ तक का वीडियो बनानी थी, यहाँ तक की वीडियो बनानी थी, और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। अल्लाह भला करे आपका, अल्लाह भला करे मेरा, और अल्लाह भला करे तमाम मुसलमानों का। तो फ़िलहाल यहीं से चाहते हैं इजाज़त, पहुँच चुका हूँ मैं जहाँ मैंने जाना था।